या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशी आठवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना का नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रजापति शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब दया युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और ध्रुम कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालाक द्रोह मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजा कर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध में चला गया। उसका सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्म शिव कार्तिकेय विष्णु तथा इंद्र आदि देवी देवताओं शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से आभूषित होकर भगवान शंकर भी शक्ति संगीति भी आए और उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र भी शक्ति इंद्री भी ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर आए। पक्षात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुर को मारो। इसके पक्षात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी से धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उस अत्यंत गवरीले दैत्य से कहिए तथा उसके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो, देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मास से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी, जो कि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्लिच तरफ दौड़ने लगे। उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों की वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदर्ण कर्ण के धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदर्ण करने भक्षण कर रही थी। शिव दूती के प्रचंड अठास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भर गया।
युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जिसे ही जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपने व्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उनकी प्रत्येक बूंद से उनके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के व्रज प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से बाहरी ने खड्डक से अरु महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य से सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको जो बार बार घायल किया उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शास्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त कम होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही साथ काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका भी खून काली ने पिया था चंडिका दैत्य को व्रज बाण खंडक और रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वहां महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्वित होकर नृत्य करने लगी। दोस्तों इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 8वां अध्याय खत्म होता है। मैं फिर से उपस्थित होंगी अगले अध्याय के साथ इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।